हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रमास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बिहारी। सबसे पहले इसके लिए हम इसका मसाला रेडी करेंगे, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है 2 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सूखी ड्राई चिली, 1 टीस्पून खसखस, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून रोस्टेड चने। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे हम और इसको पीस कर इसका मसाला बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने 1 किलो जितना मटन। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता 3 टेबलस्पून जितना, 2 टीस्पून जितना नमक। दो टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून जायफल, 1/2 टीस्पून जावित्री। जो मसाला हमने रेडी किया था वो यहाँ पर ऐड करेंगे हम। फ्राइड प्याज करीब 1 कप, 1.5 कप जितना दही। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने लिया था एक बड़ा सा पतीला और इसके अंदर मैंने ऐड किया था 1 कप जितना मस्टर्ड ऑयल। और मैरिनेट करने के बाद इस मटन को हम इसमें फ्राई करेंगे। मटन के अंदर हम यहाँ पर 3 कप जितना पानी ऐड करेंगे और इसे हम पकने देंगे। जैसे ही मटन पक जाए इसके अंदर हम 1 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और क्योंकि मुझे इसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर चाहिए, एक बारबेक्यू का फ्लेवर, हम इसके अंदर कोयले का दम देंगे। तो यहाँ पर मैंने रखा है फॉइल और इसके ऊपर हम कोयला रखेंगे। इसके ऊपर 1 टीस्पून जितना ऑयल ऐड करके और इसे हम कवर करके स्टीम होने देंगे। इसी के साथ ख़त्म होती है बिहारी मटन की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।